My name is Lavani Gohit. Today I will tell you how to make roto helicopter plane. It's very easy. First we will take a sheet. आपको जैसा मन करे आप वैसा उसको कट कर सकते हैं। तो मैं अभी आयरन स्टील से इसको कर रहा हूँ आराम से। आपका जैसा मन करे आपको जितना लंबा करना है जितना छोटा करना है आप कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा एक A4 साइज पेपर लेना है, बट मेक श्योर करना मतलब ऐसे कोई पीस ले लो जो हल्का सा लंबा हो। तो मैंने हल्का सा ही करा है। तो आपको फिर इसको निकाल लेना है, पहले आपको आउटलाइनिंग करने वरना ये गलत हो जाता है। तो मैंने आउटलाइनिंग कर लिया। अब सीजर्स लेनी है, शार्प सीजर्स वरना आपका खराब हो जाएगा। आपको कट करते जाना। ऐसे हमारा कोई पीस आएगा तो फिर आपको मार्किंग्स करनी है। पेपर हम साइड में रख देते हैं ऐसे। तो ये हमारा पेपर आराम से हो गया कट। तो हमें कुछ मार्किंग्स करनी है, वो ऐसे दिखेगी हमारी मार्किंग्स। तो हम जल्दी से अभी कर लेते हैं। आपको कोई भी प्लास्टिक का स्केल ले लो, क्योंकि आयरन का करोगे तो आपको थोड़ा मेसअप हो जाएगा। तो इसके लिए मैं स्केच पेन ले रहा हूँ। एक सेंटर से पहले एक लाइन ले जानी है ऐसे, और फिर उसके नीचे हल्का सा एक और लाइन लगा देंगे ऐसे। आप वीडियो क्लोज करके भी आप कर सकते हो, क्योंकि मुश्किल है ये थोड़ा। फर्स्ट टाइम तो आपको मुश्किल लगेगा, जैसे कि मैंने बनाया था बट मेरा ऐसे बन गया था। तो फर्स्ट टाइम आपको मुश्किल लगेगा, फिर बाद में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब उड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कैसे उड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये हमने ऐसे बना लिया अपना। तो हम उसके थोड़े से नीचे पार्ट से ऐसे एक और लाइन लगाएंगे थोड़ा सा। मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा हर जगह से कर रहा हूँ। थोड़ा क्लोज लाके देखा ऐसे हमने कर लिया, आप देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा कम रह गए, तो आप भी आप पूरा ऐसे हमने कर लिया, आप देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा कम रह गए, तो आप भी आप पूरा अच्छे से करना। मैंने थोड़ा कम कर दिया था। तो आपको फिर एक लाइन ले जानी है नीचे की तरफ ऐसे करके। फिर आपको नीचे से एक लाइन और करना है ऐसे, ओके। तो ऐसे करने के बाद आपने जो बीच में से ऐसे आपने बीच में से ऐसे जो लाइन बनाई है इसके आपको कट करना है। तो हम पहले कट करते हैं। आपको हर एक पार्ट में करना कट करना है। तो हमने ऐसे कर लिया है। फिर नीचे के जो हमने ये वाला इनको कट करना है, पूरा ही ऐसे नहीं करना है, वो जहां जहां लाइन बनाई एक यहाँ से एक यहाँ से, आप देख सकते हैं एक यहाँ से करा है। फिर आपको अब आपको आप देख रहे होगे थोड़ा सा छोटा हो गया, तो आपको इतना छोटा नहीं करना है। तो आपको थोड़ा सा और कट कर सकते हैं, मेरा छोटा हो गया तो मैं और कट कर रहा हूँ। ये हल्का सा और कट कर दिया था मैंने। अब इस साइड से भी सेम कर फिर हमें अब इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर ऐसे, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे की तरफ। आपको दूसरा पार्ट भी आपको ऐसे कर, तो ये आपका ऐसे छोटा सा बन जाएगा लाइन।
फिर आपको ये नीचे का पार्ट है आप देख सकते हैं, आपने हाईलाइन में आई थी तो ये आपको हल्का पेपर लेना है A4 साइज का, जो एकदम आपको ऐसे क्लीनली देखो हल्का सा, जैसे मेरे को यह शेडो की वजह से, तो आप अपना प्लेन को ऐसे करके थोड़ा सा पास लाएंगे तो वहाँ दिख जाएगा। तो वहाँ से आपको एक टर्न करना है ऐसे करके, फिर आपको चाहिए आपका स्टेपलर, स्टेपलर ग्लू फेविक क्विक आप ये सब ले सकते हैं। तो अपना स्टेपलर लेके यहाँ पर स्टेप कर देना है, यहाँ स्टेप कर दिया ऐसा बन गया, तो ऊपर भी करना है क्योंकि ऊपर से फॉल हो सकते हो, गिर सकते हो, खराब हो जाएगा, तो हमने यहाँ से भी कर दिया। अब आपको हल्का सा इसको इस साइड करना है, दबाना है तो इस साइड हो जाएगा, और हल्का सा इस साइड, और आपको ना आपने आपने देखा नहीं क्या ये पेपर थोड़ा सा लंबा हो गया, अगर आपका थोड़ा सा लंबा हो गया तो आप उसको फिर से थोड़ा शॉर्ट कर देना, शॉर्ट कर देना, और ये आप बन गया हमारा प्लेन। आपको अभी यहाँ दिखाता हूँ इसे उड़ गया, ऐसे देखिए आपने। अब चलो बाहर चलते हैं दिखाते हैं। हमने अभी बना लिया, ये मैंने आपको दिखा रहा था कैसा दिखेगा, मैंने ये तो हमने ऐसे बनाया था, अभी मैंने एक और बना लिया है, तो उड़ाते हैं टच करेंगे इसको पहले ये। वाओ तो कितना अच्छा हो गया, ऊपर पहुंच गया, मेरे नीचे से उड़ आया था, और ये हेलीकॉप्टर ऐसे ही काम कर रहे हैं। चलो अब इधर अब नेक्स्ट करो, आओ रुक जा मन इधर देखो स्टार्ट। गाइस उड़ाया था अभी तो कितना ऊपर गया था, तो उससे पता चल रहा है कितना अच्छा। तो हम पहले येलो ऑन कर लेते हैं, अब हम जल्दी से ग्रीन भी डाल देते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगा है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए तो उन्हें भी पता चलेगा ये कैसा उड़ता है और क्या क्या है। थैंक यू।